से भी संपर्क नहीं हो पा रहा। दुख करेंगे अगली खबर का। खाद और यूरिया की समस्या लेकर किसान पहुंचे हैं अंबिकापुर, और अंबिकापुर कलेक्टर के पास जिला पंचायत सदस्य के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बताया है कि धांधली का खेल पूर्व में भी खेला जा चुका है। यहाँ किसानों से यूरिया और खाद के अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं, जिससे किसान काफी परेशान हो चुके हैं। दरअसल मामला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति चांदो लखनपुर का है। यहाँ रासायनिक खाद इफको 1350 रुपए प्रति बोरी दी जा रही है, जबकि इस खाद को 1125 रुपए में देना था। वहीं यूरिया 297 रुपए प्रति बोरी दिया गया, जबकि यूरिया 267 रुपए में देना था, और कुछ किसानों को इफको खाद 1125 प्रति बोरी की दर से वितरण किया गया है, और यूरिया भी 267 बोरी दी गई है। और कृषकों के द्वारा खाद की मामलों कीमतों में बढ़ोतरी पर सवाल पूछने पर बताया जाता है कि अंबिकापुर से पुराना स्टॉक आया है जिसकी अधिक कीमत है, इसलिए उन पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है, जिससे ग्रामीण किसान काफी परेशान है। ये किसान है, सब किसान मतलब परेशान है, और 1125 के जो खाद है उसको 1350 में बांटे गए हैं, और 267 रुपये के जो यूरिया है उसको ये लोग 297 रुपये में बांटे हैं। जो किसान हैं उनको इफको और यूरिया का जो निर्धारित रेट है शासन द्वारा, उससे ज़्यादा रेट में दिया गया है, और बाकायदा उसका प्रतिलिपि भी मिला है इन लोगों को। रामकुमार यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामकुमार, जब अन्नदाता को यूरिया ही नहीं मिलेगा तो आखिरकार घरों तक अनाज कैसे पहुंचेगा? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है यूरिया की। आपको ये पूरा मामला लखनपुर के चांदो ग्राम का है, जहाँ के जो किसान है वो काफी परेशान हो चुके हैं ओवर रेट के देने से, यूरिया और जो खाद की कालाबाजारी से। उससे परेशान होकर तंग आकर वो कल भारी संख्या में कलेक्टर सरगुजा के पास पहुंचे थे एक ज्ञापन शॉप में, और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये अपना पक्ष रखा है, ये शिकायत की है कि जो वहाँ के जो दुकान संचालक हैं और जो मैनेजर हैं उनके द्वारा लगातार इस तरह की जो धांधली है की जा रही है। जब इस बात की शिकायत उन्होंने जिला पंचायत जो है सदस्य हैं उनसे की, तब उनके पति के द्वारा भारी संख्या में कल पहुंचे और इस बात की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है, और मांग ना पूरा होने पर जो है उग्र आंदोलन की ये बात की गई है। कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आपको मिल रही है शैलेंद्र जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आ रही आवाज। शैलेंद्र जी, काफी परेशान है किसान, यूरिया एक तो मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो उसका निर्धारित मूल्य है उससे ज्यादा दामों में किसानों को यूरिया खरीदना पड़ रहा है, और ऐसे में किसान जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, और ये इफको का भी रेट काफी ज्यादा, 1125 जो है वो 1350 रुपए में मिला जी। जी तो सर, अब किसान क्या करेंगे, कहां से अन्नदाता अन्न उगाएगा अगर इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो? सरकार है आपकी, कुछ कीजिए ना। नहीं नहीं, अब उसमें जो पंचायत मंत्री हैं उनसे ही बात हुई है जी, और अभी चूंकि कल कलेक्टर साहब भी क्वारंटाइन में चले गए हैं तो उनसे भी बात नहीं हो पाई इस बारे में। और जो समिति के कर्मचारी हैं उन लोगों का फोन भी आया था कि हम पैसा उनके खाते में लौटा भी रहे हैं, कुछ लौटा भी दिए हैं और आगे लौटा भी देंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र बने रही हमारे साथ। शिवपाल सिंह किसान गांव के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवपाल, सुन पा रहे हैं मुझे? शिवपाल मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुनाई दे रहा सर। शिवपाल, क्या क्या दिक्कत आ रही है, यूरिया नहीं मिल रहा है, और क्या क्या जो जरूरी चीजें हैं खेती किसानी के लिए उनको आपको लेने में परेशानी आ रही है, किस किस चीजों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जरा बताइए। जी, मेरे यहाँ सोसाइटी ग्राम पंचायत चांदो सोसाइटी लखनपुर के अंतर्गत है जी। जी, और यहाँ खाद की ज्यादा रेट में सोसाइटी वालों दिए हैं। यूरिया 267 रुपए का जो खाद आया था उसको 297 रुपए में दिए हैं जी, और इसको आया था 1125 रुपए के रेट से देना था इनको, उसको दिए हैं 1350 रुपया में जी।
जी ठीक है, शैलेंद्र सुन लिया आपने? पिछले वर्ष में सर जो कर्ज माफी का जो उचित था सर, वो क्या बोलते हैं उसका जो कर्ज माफी वाला प्रमाण पत्र नहीं, उसमें मेरा भाई के नाम से निकाले थे लोग फर्जी बनाकर 1,25,000 रुपया बिना जमीन बिना कागजात के जी। शिकायत किए, शिकायत करने के बाद मतलब मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है शिवपाल, बने रहिए। शैलेंद्र आपने सुन लिया किसान कितना परेशान है, और अब किसान ऐसे में करे तो करे क्या, किसके पास जाए किसान? नहीं तो ऐसे अधिकारी जो है कांग्रेस सरकार का बदनामी करवा रहे हैं, इन लोग पे बिल्कुल कार्रवाई होगी कल। इसीलिए हम हमारा जो मकसद था, मेरी वाइफ वहाँ पे जिला पंचायत सदस्य भी है उस एरिया में जी, तो हम लोग का मकसद ही यही है कि इन लोग को इंसाफ मिले और इनका पैसा वापिस हो, और अगर संबंधित अधिकारी की जाँच होती है जाँच की जाए, और अगर कुछ गलती निकलती है तो उस पर निश्चित रूप से FIR होना चाहिए। ठीक है, तो कब तक कार्यवाही हो जाएगी? स्वराज एक्सप्रेस पर आज आप क्या आश्वासन देंगे इन किसानों को, इनका कब तक मिल जाएगा और कब तक इस पूरे मामले में कार्यवाही देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद भी हम आपसे फॉलोअप लगातार लेते रहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 2-3 दिन के अंदर इनका निराकरण करवाया जाएगा। चलो उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन तक इसका निराकरण होगा और जल्द ही किसानों को इनका हक मिलेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, शिवपाल आपका भी बहुत शुक्रिया, राम कुमार यादव हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर अंबिकापुर से बने हुए हैं। 2-3 दिन में समस्या का निवारण करने की बात कर रहे हैं शैलेंद्र, जो कांग्रेस नेता है राम कुमार। चलिए राम कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी भी आवाज अब हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मोखेड़ में